हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, स्वागत है आकाश डे 2M में। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट स्कॉलरशिप का अमाउंट किस प्रकार आप देख सकते हैं, आपकी स्कॉलरशिप कितनी मिली, आपका नाम है या नहीं अमाउंट में स्कॉलरशिप के लिए, आप किस प्रकार से देख सकते हैं, चाहे प्री मैट्रिक की हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक की हो, चाहे मेरिट का मीन्स में हो आप। ठीक है, मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताऊँगा किस प्रकार आप देख सकते हैं। सेकेंड बात यह है, मैंने परसों एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें काफ़ी बंदों के कमेंट आए थे, काफ़ी व्यूअर्स के, सबके मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया हूं मैं, आप देख सकते हैं उस वीडियो में। मैंने इस वीडियो में ये कहना चाहता हूं कि जो कमेंट कर रहे थे, कि जो बोल रहे थे आधार कार्ड में अपडेट का जो सेक्शन है वो अभी सर्विस अनेबल आ रहा है, जी हाँ अभी अभी ऐड हुआ है वो, एक दो दिन पहले ही, तो चिंता ना करें, वो 3 या 4 दिन बाद वो एक्सेस हो जाएगा वो। ठीक है, और जो बंदे डेट बढ़ेगी कंफर्म है, जिन बच्चों का कुछ ना कुछ पेंडिंग है डॉक्यूमेंट्स में वो जल्दी जल्दी कुछ करवा ले, क्योंकि डेट बढ़ेगी तो मेरे को लग रहा है 15 या 1 महीने समथिंग डेट बढ़ेगी, तो ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, डेट बढ़ेगी कंफर्मेशन है, कल तक और नोटिस आ जाएगा। ठीक है, न्यूज़ आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, कोई भी स्कॉलरशिप भर लिए सबको अमाउंट मिलेगा, सबको अमाउंट लेना है, सबको अमाउंट लेना है, ये आपका अधिकार है। ठीक है, आइए बात करते हैं आप किस प्रकार स्कॉलरशिप के अमाउंट देख सकते हैं, आपका नाम है या नहीं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करें, इस वीडियो का लाइक ट्राई करते हैं 100 लाइक्स, मुझे पता है आप लोग प्यार दिखाएंगे अपना, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें, आइए स्क्रीन। हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, ऐसा आपको स्क्रीन खुल के आ जाएगा। ठीक है, NSP में जाओगे, NSP लिख देना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे आप, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पर आपको यहाँ दिखेगा स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सेक्शन लिस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, मैंने क्लिक कर दिया। एकेडमिक ईयर चूज़ कर लेना है 2020-21, अभी 2021-22 का पैसा किसी को नहीं मिला है, अभी 2020-21 का पैसा ही धीरे धीरे आ रहा है किसी के, जब ये सेशन पूरा खत्म हो जाए दिसंबर तक, जनवरी फरवरी से पैसा आना स्टार्ट हो जाएंगे, किस किस स्टेट के किस किस से आना होगा, तब यहाँ पे 2021-22 का सेक्शन खुल के आएगा। अभी 2020-21 के लिए एग्जाम्पल के आप देख लीजिए, एप्लीकेशन टाइप रहेगा फ्रेश या रिन्यूअल, कोई सा आप कर सकते हैं, चलिए मान लेते हैं आपका फ्रेश है। मिनिस्ट्री कौन सा करोगे, मिनिस्ट्री में बहुत सारे मिनिस्ट्री है, MNA सबसे पहले है, मिनिस्ट्री ऑफ MMA, ये मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्कीम आपका अलग अलग हो सकता है, डिफर हो सकता है, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप एमेंट्रीज है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, और मेरिट का मीन्स है, एंड टेक्निकल कोर्स CS। ठीक है, तो मेरा जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अपने हिसाब से कर लेना, यहाँ पे मैं स्टेट लिख देता हूँ राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट लिख लेंगे अपना, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, मैं जयपुर है मेरा, अपना नाम लिख दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, अपना जो नाम है वो वहाँ पे आ जाएगा, चलो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर जो भी लिखोगे उस पर एक OTP आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको फटाफट भर लेता हूँ, अब देखते हैं इस प्रकार से मैंने भर लिया है, यहाँ पे एक OTP आएगा जिसमें आपको बोला था, OTP को दर्ज कर देंगे आप, OTP की वैलिडिटी 2 मिनट की रहेगी, इसलिए आप भर दीजिएगा, जैसे मैं भर देता हूँ यहाँ पे क्यू, जो OTP है आप देख सकते हैं मैं भर रहा हूँ QF। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन पूरा प्रोसेस बताना ज़रूरी है इस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, कंफर्म OTP कर देता हूँ, ये वेट बता रहा है, चलिए मैं OTP को भर लेता हूँ। ठीक है, हाँ मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने भर लिया OTP, तो आपके पास इस प्रकार से पेज खुल के आएगा, OTP भरने के बाद स्कीम वाइज लिस्ट और एप्लीकेशन प्रोसेस वाइज स्कॉलरशिप, ये देखो 2020-21 का स्कॉलरशिप है, MMA पोस्ट मैट्रिक का है, राजस्थान जो भी स्टेट आप सिलेक्ट कर उसका आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज वगैरह लिख रखे हैं आपका किस कहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना सर्च फॉर इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जैसे मैं सर्च फॉर इंस्टीट्यूट कर लेता हूँ, यहाँ पे एंट्रीज वगैरह जो है 15 एंट्रीज कर लीजिएगा, और इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कॉमर्स कॉलेज के जितने बंदे उनके देखना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, ये देख लीजिए मैंने कॉमर्स लिखा तो बैचलर ऑफ कॉमर्स वाले, ट्वेल्थ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ट्वेल्थ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये आ गए हैं, इनके नाम भी आ गए हैं आप देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं जनरल वालों को पहले कितना पैसा मिला है, इनको कितना पैसा मिला है। ठीक है, देख सकते हैं आप
किस प्रकार से कितना अमाउंट मिला, आप भी अपना ऐसे चेक कर सकते हैं। ये सेकंड पे भी आप कर सकते हैं, सेकंड शिफ्ट पे देख लीजिए कितने सारे लोग हैं, आप अपना नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च करके देख लीजिए अपना नाम, एक बार सर्च कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ही सर्च होगा यहाँ पे, इंस्टीट्यूट को ही सर्च करना, नहीं तो इंस्टीट्यूट सर्च होगा यहाँ पे, अपने इंस्टीट्यूट जो भी अपने इंस्टीट्यूट करोगे वहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मैं और एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, मैं जैसे राजस्थान की कोई है यूनिवर्सिटी, ये देख लीजिए बैचलर अवार्ड्स ये आ चुके हैं, बैचलर अवार्ड्स वगैरह आ चुके हैं, देख सकते हैं आप इराइस यूनिवर्सिटी के हैं बैचलर अवार्ड्स वाले। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपनी, किस प्रकार से आप स्कॉलरशिप की अमाउंट चेक करोगे, किस प्रकार से आपका नाम आया कि नहीं आया, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं, रजिस्टर होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकन और लाइक करें वीडियो को। जिन्होंने स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं की फटाफट अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि डेट जा रहा है तो अप्लाई करना आपकी ज़िम्मेदारी है, अप्लाई कीजिए। आप कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। जैसे मैंने पहले आप वीडियो बनाया था उसमें आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने हर कमेंट का रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली, किसी बंदे के कमेंट आया था मैं ले लेता हूँ कमेंट। वो एक कमेंट था सर, ऐसे लिखा था सर आप जो बता रहे हैं उसमें परसेंटेज की जगह प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब परसेंटेज नहीं भरे जा रहे उसमें प्रमोटेड लिखा हुआ। जी हाँ, आप कोई से भी स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे, चाहे मेरिट का मिस करोगे, पोस्ट मैट्रिक करोगे, कुछ भी अप्लाई करोगे, उसमें वही लिखा हुआ आएगा प्रमोटेड, क्योंकि अधिकतर बच्चे प्रमोटेड हुए हैं, अलग स्टेट से कहो, इस स्टेट से कहो, अधिकतर स्टेट से प्रमोट हुए हैं। तो नेशनल स्कॉलरशिप जो होती है वो सेंट्रल की होती है, तो सब बच्चों को एक समान भाव से देखते हुए प्रमोटेड का वहाँ पे सेक्शन दिया गया। ये आपकी अच्छी बात है, प्रमोटेड है तो आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट इस बार दोबारा मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।